अरे मोदी जी और बात योगी जी, तुम दोनों कहाँ चल दिए अपनी ये बैलगाड़ी लेके? अरे हमें भी तो बताओ जरा, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अरे अखिलेश बाबू, तुम तो पूरे ही बुड़बक हो। अरे तुमको ये नहीं पता ये कौन सा मौसम चल रहा है? अरे भैया, मार्च का महीना चल रहा है। मार्च का महीना जमींदारी का, किसानी का मौसम होता है ये। हम अपने खेत पे जा रहे हैं काम करने के लिए, और तुम ये अपनी टूटी साइकिल लेके यहाँ क्यों घूम रहे हो? अरे भैया, अब तो इस साइकिल का पीछा छोड़ दो। सब जनता ने इस साइकिल पे बैठना छोड़ दिया। बैठो हमारी गाड़ी में, पीछे अपनी साइकिल को पटक दो। अरे वाह योगी जी वाह! अरे योगी जी, तुम तो कितनी अच्छी अच्छी बातें करने लगे। वाह, बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पे चल रहे हो योगी जी। बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पे चलोगे तो कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। और सुनो अखिलेश बाबू, योगी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमसे बढ़िया जमींदार कोई नहीं है इस पूरे हिंदुस्तान में। जितना हम दोनों ने जमींदारी की है, हम दोनों का पूरे दिन पसीना नहीं सूखता। इतनी मेहनत करते हैं, और तुम ये अपनी टूटी साइकिल लेके यहाँ क्यों घूम रहे हो? अब तो जनता ने भी इस साइकिल पे बैठना छोड़ दिया है। अरे मोदी जी, ये क्या कर रहे हो? अरे मोदी जी, ये ऑटो को क्यों उठा रहे हो भैया? अरे मोदी जी, क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, कुछ तो बताइए। अरे पीछे अखिलेश बबुआ गिरने वाले हैं, इनका भी जरा फिक्र करिए। अरे अखिलेश जी, तुम क्या कहते हो, मोदी जी क्या कहना चाहते हैं? अरे योगी बाबा, मुझे लगता है कि मोदी जी ने इरादा कर लिया है कि पेट्रोल डीजल को तो सस्ता नहीं करना है। इससे बढ़िया तो मैं खुद इस ऑटो को खींचने लग जाऊं। इससे पेट्रोल डीजल भी नहीं फूकेगा, और फिर जनता को पेट्रोल डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये मोदी जी के विकास की नई योजना है। मोदी जी अब खुद खींचेंगे ऑटो को। इससे एक फायदा और होने वाला है, मोदी जी और ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि उसके एक मंत्री कह रहे थे कि मोदी जी सिर्फ 2 घंटा सोते हैं। अब ये काम और मिल गया, मुझे लगता है कि मोदी जी अब 2 घंटा भी नहीं सोने वाले। अबे चुप करो तुम दोनों, क्या बकवास कर रहे हो? मोदी जी सोते नहीं है, मोदी जी पेट्रोल कर देंगे, डीजल कर देंगे, क्या बकवास उठा रखा है? अरे मैं तुम दोनों को अभी यहाँ से भगाने आया हूँ, भगो यहाँ से। अरे मोदी जी, ट्रैक्टर जरा धीरे चलाइए, और ये अखिलेश यादव को और समझा दीजिए। मोदी जी, ये बैठने लायक जगह नहीं है जहाँ बैठे हैं, क्योंकि यहाँ बैठोगे तो फिर कहीं और बैठने लायक नहीं रहोगे। क्योंकि यहाँ पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। अगर इनका पिछवाड़ा लाल हो गया तो हमसे ये इनका दुख सहा नहीं जाएगा मोदी जी, क्योंकि ये बेचारे पहले ही इतने दुखी हैं यूपी चुनाव हारने के बाद। तो मोदी जी, इनको जल्दी बताइए। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हो योगी जी। अरे अखिलेश भैया, यहाँ से उतर जाओ, ये हमसे नहीं होगा। अगर तुम्हारे कोई चोट ओट लग गई तो फिर मल्लम पट्टी भी हमको करवानी पड़ेगी, और इन सब फालतू कामों के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। इस समय हमारा जमींदारी का काम चल रहा है, हम ट्रैक्टर लेके खेतों पे जा रहे हैं। भैया तुम उतरो, पीछे राहुल गांधी के कंधों के ऊपर बैठ जाओ, तुमको उनके कंधे की सख्त जरूरत है। अरे भैया देखो, मोदी जी और योगी जी, मैं तुम लोगों से साफ कह देता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं किसी को अपने कंधों पे नहीं बैठाऊंगा। मेरे कंधों पे पहले ही इतना बोझ है, मैं वो ही नहीं उठा पा रहा हूँ। और दूसरा, अपनी शादी नहीं हो रही है, मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए अखिलेश भैया माफ कर दो। अरे अमित शाह जी, ये कौन सा स्कूल में ले आए हमको? अरे हमको इंग्लिश हिंदी मीडियम नहीं चाहिए, हमको चाहिए गुजराती मीडियम। तुमको पता नहीं है हम गुजराती से हैं। अरे मोदी जी, ये वही स्कूल है जहां 12वीं के बाद इंटर होती है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा था चुनाव में? यूपी चुनाव में मैंने कहा था, जो 12वीं करने के बाद इंटर करेगा उसके लिए एक एक लैपटॉप फ्री दिया जाएगा। क्यों ना योगी जी, तुमने सुना नहीं था मैंने क्या कहा था? अरे अमित शाह भैया, मुझे सब पता है। अरे भैया, तुम्हारे इस बयान की वजह से हमारी पार्टी की बहुत किरकिरी होती रही। सब लोग कहते रहे कि बीजेपी में ऐसे ही नेता भरे हुए हैं, अनपढ़ हैं सब, गवार हैं सब। अब भला बताओ, अब मैं तुम सब अनपढ़ों के बीच मैं सबसे पढ़ा लिखा और फंस गया। अरे तुमको पता नहीं है कि 12वीं को ही इंटर कहते हैं? अब कहीं 12वीं के बाद 12वीं दोबारा होती होगी? और भैया, इस लैपटॉप के चक्कर में तुमने हमारी जो बेइज्जती करवाई है, बस वो बर्दाश्त से बाहर है। अमित शाह जी, हमको ये डिग्री नहीं चाहिए, ये डिग्री अपने गुजराती भाई मोदी को ही दिलाइए। जय श्री राम।